बहुत अच्छी हूँ, हालांकि लोग मुझे समझते हैं मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। कमजोरी अगर है उसी को तुम देखो। मैं समझती हूँ कि जो एक आजकल विमेन एम्पावरमेंट का बहुत ज़ोर ज़ोर और चर्चा है, तो वो भी वहीं से शुरू हुआ। ये नॉवल था मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुगताई का औरत तेरा नाम शहज़ोरी, उसी को ड्रामेटाइज़ किया था हसीना मोइन साहिबा ने। एक तबका ऐसा भी है जो बिला वजह शोर करता है, उन्हें हर सहूलत भी हासिल है, सब कुछ है, मगर वो कहती हैं हम मज़लूम। मैंने कहा बहरोज़ वो कल उसकी फ़्लाइट है, मुझे मिलना है, और देखो हम लोग तो मेकअप में हैं। और वो कल का तो क्या हुआ, चुपके से अभी ब्रेक हुआ हुआ लंच ब्रेक, चले चलते हैं। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। 50 साल उनके खिदमात हैं आर्ट्स कल्चर लिटरेचर के हवाले से, और हम कहते हैं कि हमारी जो टेलीविज़न की इब्तिदा है उन्होंने देखी है। रेडियो पर उनकी आवाज़ गूंजा करती थी तो लोग सुनने के लिए बेताब हुआ करते थे। नीलोफर अब्बासी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, सबसे पहले तो ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, हालाँकि लोग मुझे समझते हैं मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। अरे ऐसा क्यों? इसलिए कि शहज़ोरी जो सीरियल मैंने किया था, और जो वो एकदम से इतना समझो ब्लॉकबस्टर था, बिल्कुल मूवीज भी बनी, तो उसमें जो मेरा एक टिपिकल जुमला था कि मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। तो उसकी वजह से जो है मैं कहती हूँ हमेशा कि मैं बुरी आदमी नहीं हूँ। अभी मैं पता है आपसे ये कहने वाली थी कि वो अपना मशहूर जो आपका डायलॉग है वो बोल के दिखा दें, लेकिन आपने इब्तिदा ही वहाँ से कर दी। मैंने वहीं से शुरू कर दिया। तो अब ये बताइए, 50 साल आपकी खिदमात हैं हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, टीवी, रेडियो, हर तरफ आपकी जो है वो मिसालें कायम हैं, माशाल्लाह हम देखते हैं। कैसा महसूस हो रहा है, इन 50 सालों को आप किस तरह देखती हैं? असल में देखो 50 साल ऐसे गुजर गए जैसे 50 लम्हे होते हैं, कि कहने को 50 साल हैं लेकिन मैंने काम बहुत ज़्यादा अरसे नहीं किया है। काम मैंने बहुत कम किया क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, माइक्रो मेरा सब्जेक्ट था, मैं मास्टर्स कर रही थी तो उसके प्रैक्टिकल्स ही शाम तक होते थे, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रामे करूँ। हाँ ख़ास ख़ास मैं करती थी जैसे ईद के ड्रामे या 23 मार्च का, 14 अगस्त का, तो उस वजह से और सिलेक्टेड करती थी, इसलिए लोगों को मैं याद रही और ये मेरी खुशकिस्मती है। अच्छा, आपने जो है हसीना मोइन साहिबा का नाम आपके नाम के साथ हमेशा आता है। बिल्कुल। और उनके ड्रामों, उनका जो पहला ड्रामा था उसमें आपने अदाकारी की थी। बिल्कुल। तो आज क्या चीज़ देख के वो ड्रामा इंडस्ट्री जो आपसे जो शुरू हुई, हम कहते हैं जिसको, आज कुछ जो हमारी इंडस्ट्री आप देख रही हैं उसमें क्या चीज़ देख के आपको सबसे ज़्यादा दुख होता है, इस तरह के राइटर के साथ काम करना और आज के इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है? देखो एक तो मैं तुम्हें ये बात बताऊं कि जब हम लोग काम करते थे ना, तो हम टोटली जैसे हमें अपने काम से इश्क था। मैं ये नहीं कह रही कि आज के लोग सिंसियर नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम टोटली मतलब जो इंटरेस्टेड होता था, जिसको मोहब्बत थी एक्टिंग से, रेडियो पे बोलने से, ब्रॉडकास्टिंग से, वही लोग जो थे ना वो इस फील्ड में आते थे। अब ये है कि ये वक्त के साथ ना चीज़ कमर्शलाइज हो गई है, ये कमर्शलाइज हो गई है, और इस वजह से जो चीज़ें कमर्शियल हो जाती हैं, जहाँ पैसा बेसिकली इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो फिर बहुत मुख्तलिफ हो जाता है, उसका स्टैंडर्ड भी मुख्तलिफ हो जाता है। आज जो हमारे ड्रामे बन रहे हैं उसमें हम खवातीन को भी देखते हैं तो बड़ी रोती हुई नज़र आती हैं, मार खाती हुई नज़र आती हैं। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि आज हम फेमिनिज़म पे बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि पहले की कहानियों में औरतें मुख्तलिफ हुआ करती थी? आप क्या समझती हैं कि पहले जो है वो फेमिनिज़म पे क्या कहानियाँ नहीं बना करती थी, या हम आज ही इन कहानियों को ज़्यादा उभार रहे हैं? नहीं देखो, जो शहज़ोरी अगर है उसी को तुम देख लो। मैं समझती हूँ कि जो एक आजकल विमेन एम्पावरमेंट का बहुत ज़ोर ज़ोर और चर्चा है, तो वो भी वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि ये बेसिकली नॉवल था मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुगताई का औरत तेरा नाम शहज़ोरी, उसी को ड्रामेटाइज़ किया था हसीना मोइन साहिबा ने। तो वो एक मिसाल थी, और अब जो है अब ज़रा डिफरेंट तरीके से उसको बता रहे हैं, सोच डिफरेंट हो गई है, इजहार का तरीका अलग हो गया, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है ना वो अपनी जगह है और उसे सॉल्व होना चाहिए। जो हमारी ज़्यादातर आबादी है देहाती आबादी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा औरतें जो हैं वो जुल्म का शिकार होती हैं, जो हमें पता भी नहीं है। शहर में रहने वालों को उसका शायद अंदाज़ा भी नहीं है
कि वो किस कर्ब से गुजरती हैं और इसके लिए फ़ाइट करना चाहिए। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो बिला वजह शोर करता है, उन्हें हर सहूलत भी हासिल है, सब कुछ है, मगर वो कहती हैं हम मज़लूम हैं। वो मज़लूम नहीं, हाँ उनको मज़लूमों के लिए काम ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, आपने जो है तलत हुसैन साहब के साथ काम किया, बहरोज सब्जवारी के साथ काम किया, शकील साहब के साथ काम, सारे बड़े नाम हैं ये हमारी इंडस्ट्री के। सो कोई एक ऐसी याद जो इन तीनों नामों से आपके जुड़ी हुई हो? तलत हुसैन जो हैं उनको गॉड गिफ्टेड है, ये सब चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं, और जिसे अल्लाह या कुदरत दे दे उसका कोई जवाब नहीं होता है, कोई मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं होता है। शकील साहब भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बल्कि आजकल वो काफ़ी उनकी तबीयत नासाज है, अलील है, अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। बहरोज बहुत अच्छा लड़का होता था, उसके साथ था मेरा छोटा भाई, इसने कई ड्रामों में मेरे छोटे भाई का भी काम किया। फिर हम लोग ब्रेक मिलता था तो जैसे मुझे याद है एक मेरी एक फ्रेंड थी, वो स्कॉटलैंड जा रही थी, उस वक्त मैं पढ़ ही रही थी, तो वो जा रही थी तो मैंने कहा बहरोज वो कल उसकी फ़्लाइट है, मुझे मिलना है, और देखो हम लोग तो मेकअप में हैं। और वो कहने का तो क्या हुआ, चुपके से अभी ब्रेक हुआ हुआ है, लंच ब्रेक, चले चलते हैं। हाँ उस वक्त गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो किसी के पास होती नहीं थी, हमने टीवी स्टेशन के बाहर से रिक्शा रोका, रिक्शे में गए आप? रिक्शे में हम दोनों मेकअप में, उसका तो खैर कोई ऐसा मेकअप नहीं था, लेकिन मैं मेकअप में सर पे दुपट्टा किए हम रिक्शा में चले जा रहे हैं, कहा नाजमाबाद नंबर 4। ओह माय गॉड, आई थिंक अब तो बड़ा कोई ना करे। नहीं, अब तो बड़ा स्टेटस कॉन्शियस और क्या क्या सब वक्त के साथ बदल गया, वो सब सादगी थी, सिंपलिसिटी थी, तो सब बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा, पहले जो हमारी उर्दू जबान टेलीविज़न पे बोली जाती थी, अब आप कहीं देख रही हैं आसपास उर्दू को नज़र आती नहीं है? नहीं, ये उर्दू और वो उर्दू तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। अच्छा, बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। याद आती है आपको? याद आती है, बहुत याद आती है। मैं समझती हूँ कि हम बड़ों की तरफ से भी कोताही है, क्योंकि शायद हमने इस पर तवज्जो ही नहीं दी, जो वो बच्चे बोल रहे हैं उनको बोलने दिया, उनको करेक्ट नहीं किया। और दूसरे एक बात ये भी हो गई है कि सारी बात है ये जो है ये एज कंप्यूटर की है, जेट एज है, तो अब के बच्चे जो है ना वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, और अगर उन्हें कोई बात कहो भी ना तो वो उसको माइंड करते हैं। तो सोशल मीडिया यूज़ करती हैं आप थोड़ा बहुत? अब बहुत थोड़ा, मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं होती है। देखो ये सारे काम फुर्सत के होते हैं या इंटरेस्ट के होते हैं, सच्ची बात पूछो, ये यंग जनरेशन के काम हैं, उनके पास टाइम भी है, उनमें स्पार्क भी है, और मतलब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि फारिग वक्त हो तो आप ये सारी चीज़ें करें। हाँ, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बस मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि कोई आखिरी ऐसा ड्रामा जो आपने देखा और आपको पसंद आया? आखिरी ड्रामा? हाँ, बहुत से ड्रामे अच्छे हैं, जैसे एक मैंने अभी कुछ देख रही हूँ, वजाहत रऊफ एक प्रोड्यूसर हैं, उनका दमसा, दमसा बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, सीरियस सब्जेक्ट था और बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, वो मैंने देखा था और बड़ा मुझे पसंद भी आया था। तो अभी कोई देख रही हैं ड्रामा अभी राइट नाउ? जी राइट नाउ में जो ड्रामा देखती हूँ मुझे लगता है कि ये वही वाला ड्रामा है। सबकी स्टोरी एक जैसी होती है, सब में आर्टिस्ट एक जैसे होते हैं, एक्टिंग एक जैसी होती है, तो मुझे लगता है कि ये तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन कुछ डिफरेंट भी हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं, नो डाउट। चलें बस आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि मौला जट आपने देखी? मैंने देखी। पुरानी वाली देखी? दोनों देखी। सबसे अच्छा क्या लगा मौला जट? सच पूछें तो सच्ची बात कहूँ तो सच्ची बात है, प्रोडक्शन अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छी है, टेक्निकली बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो खून खराबा था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, थोड़ा वायलेंस आपको ज़्यादा? वायलेंस नहीं, वायलेंस तो मुझे पसंद ही नहीं है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलिए, थैंक यू सो मच आपका वक्त देने का, और हम कोशिश करेंगे कि आपको कभी फिर हम अलग से मेहमान बनाएं और आपसे डिटेल्ड इंटरव्यू करें। बहुत शुक्रिया।